मैं शैली और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में। शॉप के ओनर हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं। तो सर कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया मैडम। बहुत बढ़िया एकदम। तो आप हमें कुछ जानकारियाँ देंगे कि बिजनेस किस तरह से करना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मुझे? जी देखिए, मिलने में मैडम सूरत के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है लेडीज से रिलेटेड जो नहीं मिलती हो। साड़ी कुर्ती जैसा आपने भी बोला, वो सारी चीजें अवेलेबल है सूरत में। एक अकेली मेरी शॉप पे नहीं है, सारे सूरत के होलसेलर्स हैं, वो सब यही कॉमन वेराइटीज रखते हैं। लेकिन जो है कि जानकारी कपड़े के बारे में तो सब यूट्यूब पे काफी टाइम से दिख भी रहा है, मेरे भी काफी वीडियोस वगैरह है यूट्यूब पे और चल भी रहे हैं। अच्छा, लेकिन आज जो है वो बिजनेस से रिलेटेड जो मतलब कस्टमर या कंज्यूमर आता है यहाँ पे, रिटेलर आता है, वो कुछ चीजें होती है जो सोच के नहीं आ पाता है। तो वो चीजें मैं थोड़ी बताने की कोशिश करूंगा ताकि अगर कोई कस्टमर आता है तो वो पहले से जागरूक होके आए और अच्छा सेटिस्फाई होके सूरत से वापस जाए, क्योंकि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वजह से मैं वैरायटी दिखाने से पहले कुछ आपके साथ में और कस्टमर के साथ में वो चीजें जो शेयर करना चाहूंगा। तो लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगी, जो आज की वीडियो में आप वैरायटीज दिखाएंगे मोस्टली क्या दिखाएंगे मुझे? मोस्टली आपको मैं कुर्ती दिखाने वाला हूँ इसमें, क्योंकि अभी जो सीजन है 70-80% कुर्ती का सेल आउट बहुत ज्यादा है। ओवरऑल हमारे पास में बहुत ज्यादा ऑर्डर है, वो कुर्तीज के हैं और प्लाजो सेट वगैरह उसके साथ में आते हैं, वो सब चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई वैरायटी दिखाने से पहले भैया आपको कुछ जानकारी देंगे कि किस तरह से कपड़ों की नॉलेज हो जाए और आप बिल्कुल यहाँ पे आए तो सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए सर कुछ जानकारी दे देते हैं हमें। जी बिल्कुल, जो बेसिक चीजें हैं, कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं पर्सनल खुद भी करता हूँ, अपने बिजनेस में अप्लाई भी करता हूँ और आपको भी करवाना चाहता हूँ। आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अगर बड़े लेवल पे नहीं करना चाह रहे हैं या फिर छोटे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर मीडियम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं वो फॉलो करो और कुछ बातें हैं जो यहाँ के रिलेटेड हैं, सूरत से रिलेटेड हैं, वो भी आपको जाननी बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। वो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जितने भी आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे आज तक, उसमें आप 10 पार्टी के वीडियो देख लो, 15 पार्टी के वीडियो देख लो, 20 पार्टी के वीडियो देख लो, सब में एक कॉमन बात लगेगी आपको कि आप 10,000 लेके आइए और 1,00,000 रुपए कमाइए महीना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, कुछ भी नहीं होता है। आप, मैं सिंपल शब्दों में एक बात बोलता हूँ, आप 10,000 लेके आइए और वो 10,000 दरिया में फेंकने के बराबर होंगे। उन 10,000 से आप कुछ नहीं कमा पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 10,000 रुपए मतलब आपका खुद का खर्चा होगा सर जी आने में। 10,000 का आप माल लोगे, 5,000 आप खर्च करके आओगे, उसके बाद में कितना कमाओगे उस पर? सिंपल बात है ना, सोचने वाली। तो आप भी इस चीज में जागरूक बनिए, ये चीजें मत सोचिए कि कोई 10,000 पे बुला रहा है। आपने कई कस्टमर जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख के आते भी हैं, 10,000 की बात सुन के आते हैं, यहाँ आते हैं वो एकदम अनसेटिस्फाई हो जाते हैं, उनकी उम्मीदें ऐसे टूटती है जैसे कि मतलब कोई आसमान से मतलब राक्षस गिर गया उनके ऊपर। लेकिन वो चीजें इसीलिए होती है क्योंकि आपने विश्वास किया, आप आए 10,000 रुपए लेके आए, 10,000 का उन्होंने अपना कांटा सेक लिया, हमने अपना कांटा सेक लिया, सिंपल सी बात है। दे दिया आपको 10,000 का, उसमें से मात्र 2,000 या 3,000 या 4,000 का ज्यादा से ज्यादा आपके पास माल बिकेगा, बाकी का अपने घर में यूज करिए आप और बिजनेस क्लोज। ये है सिंपल मेथड 10,000 का। लेकिन जो रूल है बिजनेस करने का, एक छोटा रूल जो मैं बताता हूँ आपको, वो ये है कि आप 10,000 नहीं, मिनिमम 25,000 से 30,000 रुपये एक बार लेके आइए। और हिम्मत सबसे बड़ी चीज होती है बिजनेस के अंदर। वो अगर आप ये उम्मीद करके आते हो 25,000 लेके आता हूँ और मैं कमा लूंगा, नहीं, वो भी चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप 25,000 लेके आइए, उसमें से आपका 5,000 का बिके या 10,000 का बिके, कोई दिक्कत नहीं है। उस 10,000 का और 10,000 और मिला उसमें और नया माल लेके आओ, फिर आपका बिकेगा। 4 से 5 बार ये प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए, जब तक हार मत मानो। लास्ट में कुछ बचता है, आपको लगता है कि अभी भी नहीं चल रहा है बिजनेस, तब मैं बैठा हुआ हूँ, जितना माल बचे उतना लेके आओ, चेंज करके दूंगा, या फिर आपको लगे कि मेरे को ये बिजनेस बंद करना है तो आपका रिफंड पैसा भी मैं दूंगा आपको। ये चीज होती है, आप ये उम्मीद मत लगाओगे 10,000 में पूरा चालू कर लिया, मैंने कर लिया, हो गया, कमा लिया, नहीं, कभी नहीं। एक रोल बनाओ सर जी, 5 दिन में कभी भी कोई भी रातों रात अमीर बनने वाली, ये सब चीजें फेक होती है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है किसी भी तरीके की। आप बनो, 4-6 महीना टाइम दो बिजनेस को, नफा मत सोचो, मिनिमम मार्जिन पे काम करो, रोटेशन घुमाते रहो अपना, आप 10 का लो 5 का लो लगातार लेते रहो, नई अपडेट अपने दुकान में रखते रहो। उससे क्या आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे कि यार हाँ 8 से 10 दिन में इनके पास में कुछ नया नया मिलता रहता है। तो ये चीजें करो। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सारे यूट्यूबर्स ने और सारे जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो अपना वीडियो डालते हैं, उसमें स्पेशल लिखते हैं कि 90% उधार लो, 99% उधार लो। मैं एक सिंपल बात वापस पूछता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसको मिला वो 90% उधार फर्स्ट टाइम में, प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने सूरत फर्स्ट टाइम गया था
और मुझे उधार मिला 90%। कुछ नहीं है, सबकी पॉलिसी जरूर होती है कि आपको सेकेंड टाइम थर्ड टाइम या फिर दो चार पांच डील के बाद में आपको उधार भी देते हैं। वो चीजें वो सिर्फ आपके बिहेवियर पे और आपके वर्किंग स्टाइल पे डिपेंड करता है सर। वो हमारे बोलने से हम नहीं जानते यार आपको, आप कौन है, कहाँ से आए, ना फर्स्ट डील में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम आपका इस पे जो भी जगह पे आप प्लेस काम कर रहे हो वहाँ जाके आपको देखें कि आपका दुकान कितना बड़ा है, घर बार कैसा है, उधार देने लायक आप हैं या नहीं है। वो चीज़ें फर्स्ट टाइम में कोई देख नहीं पाता है। वो एकमात्र एक चीज़ होती है आपको यहाँ बुलाने की कस्टमर को, कि कस्टमर आए यहाँ पे, उन्होंने दिया, बोल दिया सेकंड टाइम में दे देंगे सेकंड टाइम में, ये चीज़ें नहीं होती है सर। आपको बिंदास उधार का सोच के मत आइए। अगर आपको काम करना है उधार लेके, कभी भी आप अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाओगे। देने वाला हर चीज़ देगा, मैं खुद बोल रहा हूँ। आप मुझसे डील करिए, फर्स्ट डील करिए, सेकंड डील करिए, देखता हूँ मैं कैसा है आपका बिजनेस। मेरा कुछ बातें होती है यहाँ, कस्टमर मेरे पास में आते हैं, मैं खरी खरी बातें उनको बोलता भी हूँ कि यार ये चीज़ है, और सामने से बोल देता हूँ, मैंने कहा ऐसे करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा ही। तो वो कई बार गुस्सा भी कर जाते हैं, भैया यार ऐसे बोल रहे हो, हम तो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हो, चलेगा ही नहीं। क्योंकि वो जो उनकी थिंकिंग है काम करने की, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है, वो उसी हिसाब से हमारे सामने बिहेव करते हैं। हमको पता चल जाता है कि ये नहीं कर पाएंगे काम। ये जो भी 10,000, 15,000, 20,000 डाल रहे हैं, वो मतलब एक खाली लॉस के हिसाब से डाल रहे हैं। तो मैं उनसे स्पष्ट बोलता हूँ ये चीज़ कि यार मैम अगर इस हिसाब से करना है या सर इस हिसाब से करना है तो आप मत कीजिए, 10-15 हज़ार का भी मत लीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप आगे जाके सिंपल से आप परचेज करने आए हो होलसेल में, आपके पास में आप कहीं, आप खुद रिटेलर नहीं हो, अपने लिए एक पीस लेने के लिए नहीं आए हो आप। एक पीस के हिसाब से ये कलर नहीं चलेगा, वो कलर नहीं चलेगा, या इस टाइप की कुछ भी नहीं होती है। सबसे पहले डेयरिंग करके परचेजिंग करो, अपनी परचेजिंग पावर मजबूत रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ परचेजिंग में, जो कि आगे जाके सेल हो पाए, तो वो आपका जो शॉपकीपर है उसके ऊपर छोड़िए विश्वास। आप देखिए कि ये लायक है इस चीज़ के, कि भाई ये विश्वास पात्र चीज़ है कि मैं 15,000 का ले रही हूँ या 20,000 का ले रही हूँ, तो 10,000 का मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कुछ अगर वो सामने वाला बात आपको बता रहा है कि ले लीजिए भाई 10,000 के अंदर, आप जो बाकी का बैलेंस आपका बचता है उसमें कलर आपको कुछ दूसरे चाहिए, डिज़ाइन कुछ और चाहिए, तो वो सेल्समैन के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, वो चलता है। अगर आपको रिप्लेसमेंट की वारंटी दे रहा है वो, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है, वो लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो, परचेजिंग पावर अपनी मजबूत रखो, ऑनेस्टी रखो बिजनेस के अंदर, प्लस जिगर से काम करो, सबसे मेन चीज है ये। डरो मत, आप काम स्टार्ट कर रहे हो, ये आलू टमाटर नहीं है, ये कपड़ा है। आलू टमाटर खराब होते हैं, कपड़ा खराब नहीं होता है कभी भी, उसकी रेट वो ही रहती है। लेकिन आप जिगर से काम करो, आपका बिजनेस 100% चलेगा, मैं बताता हूँ। और एक चीज है कि आप जैसे नया स्टार्ट कर रहे हैं घर से, या फिर शॉप ले रहे हैं, शोरूम करवा रहे हैं बड़ा, तो उसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि देखिए, घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका बजट होगा 50,000, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले अपने आसपास या सोसाइटी, या क्योंकि घर से बिजनेस कर रहे हैं ना, वो एक छोटे लेवल पे होता है। छोटा लेवल मतलब आपके पास जो कस्टमर आएंगे वो आपके ही जानकार आएंगे सारे, या आपकी सोसाइटी का आएंगे, या फिर उनके कोई फ्रेंड्स आएंगे, या फिर आपकी फैमिली में कोई फ्रेंड्स वगैरह, वो सब आएंगे, वही कस्टमर आने वाले हैं जो आपसे जानते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आपको वैरायटी अच्छी रखनी पड़ती है हमेशा। अच्छी वैरायटी मतलब आप हल्की वैरायटी रखते हैं या फिर बिना गारंटी वाली वैरायटी रखते हैं तो वहाँ नहीं चल पाएगी, वो ऑब्वियसली वापस रिटर्न आना ही आना है। ये सोच थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी आपके हिसाब से, कि आप जिस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। देखो, एक गली में बेचने वाला होता है, फेरी करने वाला, वो कितने भी पीस ले जाए, कैसे भी ले जाए, उसको एक जगह आज देना है, दोबारा कल वहाँ वापस नहीं जाना है, तो वो कैसा भी ले जा सकता है। और एक बार बेचा और निकल गया, वो दोबारा नहीं मिलेगा। ठेले वाला है, वो बेच दिया निकल गया, वो चीज़ें निकलती। लेकिन आप घर में बैठ के अगर स्टार्ट करते हैं, सारी लेडीज़ आपकी जानकार होगी, आपकी सोसाइटी की होंगी, तो उनके हिसाब से ही आपको परचेजिंग करनी चाहिए। आजकल जो मार्केट में जो ज़्यादा रेंज चलती है, जो डेली वेयर के हिसाब से, वो चलती है 150-200 से लेके 500 तक की रेंज, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। कुछ होते हैं कि दो चार कस्टमर ने आपसे मांग लिया कि हैवी चाहिए हैवी चाहिए, तो आपने सारी परचेजिंग 500 के ऊपर की कर दी, दो चार कस्टमर उसमें से ले गए, बाकी का आपके पास में पड़ा रह गया। तो आपको क्या लगता है, तो मैंने स्टार्ट किया, अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, मेरे तो नुकसान हो गया। ये चीज़ें नहीं होती, आप दिमाग से कीजिए बिजनेस। आपका जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिए। अगर आप सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो जिस शॉप में आप जा रहे हैं, चाहे यहाँ आए चाहे कहीं भी जाए, उनसे गाइड लीजिए कि यार हम इस लेवल पर इतना बजट डालना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या टाइप की वैरायटी और कितनी रेट रखनी चाहिए, वो चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो ये चीज़ रहती है, आप खरीदी अपनी परचेजिंग पावर अच्छी रखो, उसमें आप क्या वैरायटी रखनी है, क्या नहीं रखनी है, किस रेंज का ज़्यादा बिक रहा है, वो सारा सर्वे पहले से अपने वहाँ पे करके आइए यहाँ सूरत में।
कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, अगर शॉप है तो आपको क्या वैरायटी रखनी है। शॉप है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपको 50 वाला भी रखना पड़ेगा, 500 वाला भी रखना पड़ेगा और 1000 वाला भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सब टाइप के कस्टमर मिलेंगे आपको। और जिस टाइप के कस्टमर ज्यादा है उस टाइप की वैरायटी ज्यादा रखो, नई सेल होता है फिर बैठे रहते हैं हम भी कि आप चेंज करवा सकते हैं, और शोरूम वगैरह है तो उसमें फिर ज्यादा और ज्यादा वैरायटी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो ये चीज सबसे मेन है, आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर 90% स्टार्टिंग जो रहती है वो घर से ही स्टार्ट रहते हैं, तो उस पर फोकस करो, कम बजट रखो उसमें। रेंज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है हमसे पूछिए कि सर क्या रखनी चाहिए, हम बताएंगे वहां पे, हम पूरी तरीके से गाइड करेंगे आपको। वैरायटी प्लस आपकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बनानी है अगर बिजनेस आगे चलाना है तो। तो ये चीजें हैं, कुछ ध्यान रखिए। बाकी जब भी आप आते हैं यहाँ पे मोस्ट वेलकम आपका, अच्छी से अच्छी गाइडलाइंस आपको मिलेगी, रेगुलर बिजनेस की ट्रिक्स भी मिलेगी। एक जो चीज एक बार बताऊंगा वो नेक्स्ट में नहीं बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे, जब भी विजिट करें कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जब भी वीडियो देखेंगे फिर भी आपको नया सीखने को मिलेगा, ये प्रॉमिस। गुड लक फॉर योर बिजनेस। सर हमें यहाँ पर सैंपल दिखाने वाले थे, सर कुर्तीज में सैंपल दिखाएंगे आप हमें? जी कुर्तीज में जैसा मैंने बताया वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ वैरायटी, सारी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी लेकिन कुछ वैरायटी है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी रेंज में? देखिए मैम, स्टार्टिंग का ये फंडा है कि पूरे मार्केट के अंदर 45 और किसी का 50 रुपए, किसी का 60 रुपए, वहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली, जो मेरे पास में भी है, आपके पास भी है, लेकिन वो अनयूजेबल कुर्तीज होती है जो आपको लगती है कि 40 में आता है, 40 में आता है तो भाग के आते हो आप, लेकिन वो 40 में आप ना तो लेते हो, ना वो बेचने लायक होती है, ना खरीदने लायक होती है। अच्छा। मतलब एक जो अनयूज चीज है उसका 40 रुपए भी क्यों देना, मेरे ये चीज बोलने की। तो आप वहाँ से मत रहिए, जो ज्यादा बिकती है रेट वो 150-100 के ऊपर की रेट ज्यादा बिकती है। अच्छा। जो आपको आगे रेस्पॉन्स में मिलेगा प्लस आप अच्छे से सेल कर पाएंगे, तो वही से डिजाइन होती है जी। डिजाइन वगैरह हर एक आइटम में आपको 24-48 ऐसे डिजाइन वगैरह मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे जी, ये देखिए जैसे आपको फर्स्ट में दिखाता हूँ, ये सिंपल सोबर के अंदर आएगी, सिंपल सोबर है, बहुत सुंदर है, गर्लिश एकदम ना जी। रेयॉन मटेरियल आएगा, हैवी 14 kg, और ये गले पे आप देखेंगे प्यारी एम्ब्रॉयडरी आएगी बहुत। बिल्कुल मतलब जीन्स पे ना कॉलेज गर्ल्स बहुत पसंद करती है ये सब चीजें, ये ऑफिस वेयर लुक में भी आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इस टाइप की टेस्ट, ये खादी कॉटन में कपड़ा आप देखेंगे बहुत शानदार रहता है, खादी कॉटन है ना, बुटीक मटेरियल है, देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग कलर की लाइनिंग्स भी है, विविंग बोलते हैं इसको, थोड़ा जूम करेंगे ना तो मल्टी शेड दिखाई देगा, विविंग कहते हैं, विविंग बोलते हैं। ओके, और ये आपको यहाँ एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, हल्की एम्ब्रॉयडरी जो सोबर पैटर्न में आएगा। बिल्कुल, आप थोड़ा फैंसी में और चीप रेट में अगर लेना चाहते हैं तो इस टाइप की वैरायटी फ्रॉक स्टाइल है, बहुत चल रहा है, रेयॉन प्रिंटेड, इसका रेट भी ओके है, 160 160, तो ये मार्केट में इजीली सेल हो जाएगा। मतलब आप 250 तक आप इसको आसानी से सेल कर सकते हैं, जेन्युइन मार्केट एरिया वाइज कर सकते हैं। ये आप देखेंगे एक कोटी स्टाइल है, फॉइल प्रिंट आएगा रेयॉन के ऊपर, फॉइल प्रिंट जी। अच्छा, तो ये वॉशिंग में निकलेगा तो नहीं? ये देखिए मैम, ऐसा है कि 2-3 वॉश करने में नहीं निकलता है, बाकी आप केयर कैसे करते हैं मटेरियल की उस पर डिपेंड करता है, आप ब्रश मार रहे हैं लगातार उस पर तो डेफिनेटली चीज़ें आदमी भी घिस जाता है ये कपड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई झूठ नहीं बोलते कि नहीं निकलेगा, भैया ने पूरा आपको डायरेक्टली बताया कि इसको इजिली वॉश करोगे तो एकदम बढ़िया की बढ़िया रहेगी वो चीज़ें। बिल्कुल, इसके बाद में सिंपल में डेली वेयर के हिसाब से ये चीज भी आती है रेयॉन पे, इनमें आपको प्रिंटे बहुत मिल जाएगी, लगभग 200 से ऊपर प्रिंटे मिल जाएगी। कलर्स कितने मिलेंगे? हर एक डिजाइन में आपको 8 कलर, 12 कलर या किसी में 4 कलर, ऐसे अलग अलग पैटर्न आएंगे। देखिए कैटलॉग आइटम अगर रहता है तो कैटलॉग में तो 8, 10, 12 जो भी सेट रहता है वो अलग डिजाइन अलग कलर मिलेगा, और पर्टिकुलर एक आइटम लेते हो तो किसी में 4 का सेट आएगा, किसी में 6 का, किसी में 8 का, किसी में 12 का, तो मतलब जितने का सेट होता है उतना लेना कंपलसरी, वो कंपलसरी रहेगा, सेट वाइज आपको परचेज करना पड़ेगा, मतलब सेट तोड़ेंगे नहीं? सेट मैम तोड़ना मतलब फिर वो रिटेल वाला काम रहता है, वैसा अपना नहीं। और अच्छी बात है भाई, होलसेल का काम है तो क्योंकि होलसेल में ही दिया जाएगा। ये देखिए अभी लॉन्ग में आएगा, फ्रंट कट भी आएगा, इसमें बटन वगैरह दिए हुए, ये कट आता है आजकल, कट वाली कुर्ती ज्यादा डिमांड में रहती है काफी, साइड कट भी रहेगा इसमें, साइड कट भी है जी। ये भी आपको एक सिंपल में दिखा रहा हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड पीस है ये चीज, ये देखिए भाई सामने एम्ब्रॉयडरी है पूरे पे, और 3 शेड्स दे रखे हैं, इधर साइड में अलग है, बीच में अलग है, ऊपर फ्रंट में जी। इनमें आपको कैटलॉग मिलेंगे, वैरायटी वाइज बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग कैटलॉग, डिजाइने भी काफी अच्छी है। कैटलॉग है जी, एक ये चीज देखिए, पॉकेट भी है इसमें तो जी। ये देखिए भाई पॉकेट भी है आपको डिजाइन में, उसमें बैच यहाँ पे, और ये देखिए कितना सुंदर, मतलब और ये फैब्रिक क्या है? ये खादी आता है, हैवी हैंडलूम कॉटन बोलते हैं, हैंडलूम कॉटन जी। ओके,
तो इनमें साइजेस भी होते हैं कुछ? साइज मैडम मिलते हैं इनमें एम से लेके आपको डबल एक्सेल तक, डबल एक्सेल तक, एम साइज, एल एक्सेल, डबल एक्सेल, सारे साइजेस अवेलेबल है। कोई सा भी जो आपके एरिया में ज्यादा चलता हो वो ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एम चलेगा तो मैं एम एम ले सकती हूँ? हाँ, जरूरी है कि मुझे सारे साइज? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, ये आपको पर्टिकुलर जो साइज चाहिए वो साइज आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और इसके बाद अगर अपन देखते हैं, एक ये स्लब रियॉन के अंदर आएगा, ये भी कैटलॉग पैटर्न है। कपड़ा देखेंगे थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ये नॉन बाजू से डिफरेंट है, सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट मटेरियल आता है जी। ये चीज, ये मोती हाथ से लगाए गए हैं पूरे? ये स्टिच किए हुए हाथ से मैडम, सारे हाथ से स्टिच है। और एम्ब्रॉयडरी आप देखो बहुत अच्छी है उसकी। ये चीज पे देखिए, खादी पे आता है ये भी, डेली वेयर के हिसाब से एम्ब्रॉयडरी देखो इसकी कितनी शानदार आएगी। मतलब जो लड़कियां सिंपल सोबर रहना पसंद करती है उनके लिए बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट कलेक्शन आएगा। व्हाट्सएप पे मैम देखिए, हम मेरा ज्यादातर प्रोसेस ये रहता है कि कस्टमर जो भी स्क्रीन पे जैसे आप नंबर चल रहे हैं और कॉल करते हैं, कांटेक्ट होता है, तो मेरी ज्यादातर अपील यही रहती है कि आप जितना हो सके पॉसिबल सूरत आके परचेस कीजिए। क्यों, उसमें क्या है कि एक तो आप फैब्रिक की वैरायटी वगैरह खुद देखेंगे, जितना उतना ज्यादा आप बिजनेस में प्रिपेयर होंगे खुद करने के लिए। अच्छा। और वहाँ से आप मंगवाते हैं तो नेचुरली है कि फैब्रिक वगैरह आप समझ नहीं पाते हैं फोटोज में, और फिर जब कुछ आपको लगता है, आपकी एक्सेप्टेशन ज़्यादा होती है कि ये फैब्रिक 200 वाला ऐसा निकलेगा, जब उससे कम निकलता है तो आपका बिजनेस करने का जो मोटो है वो टूट जाता है, उम्मीदें टूट जाती है कि नहीं यार जो सोचा था वो चीज़ निकली नहीं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। एक बार आप विजिट करो, यहाँ पे आओ, ऑनलाइन 99% ऑनलाइन मत मंगाइए, यहाँ पे आइए सूरत और देख के परचेज कीजिए, देख के क्वालिटी देखिए, और सारे बाद में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़। बहुत अच्छी बात है ये तो। बाकी आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन भी, उसमें कोई इशू नहीं है। मंगवा सकते हैं जी जी, व्हाट्सएप पे आप तो कलेक्शन वगैरह मंगवा के आप मंगवा सकते हैं। ओके, ये फ्रॉक स्टाइल है, ये फ्रॉक स्टाइल आ गया मैम। ये पूरा इसमें प्रिंट है? ये प्रिंट आएगा रेयन के ऊपर, जैसे ये लीफ प्रिंट दिया हुआ है इस पे, इस टाइप में आपको और डिजाइन भी दूसरी, जैसे पीकॉक पैटर्न भी आजकल काफी चल रहा है, वो मिल जाएगा जी, सारे पैटर्न इसमें मिल जाएंगे। एक ये देखेंगे आप, कोटी स्टाइल अभी चल रहा है ये टॉप पर, ये कोटी है, इसको आप अटैच भी कर सकते हैं या फिर विदाउट कोटी भी पहन सकते हैं। तो जैसे कुर्तीज में आप दिखा रहे हैं, जो हाफ स्लीव्स की कुर्ती भी है इसमें, उनमें स्लीव आएगी अंदर, अंदर आएगी, अंदर स्लीव आती है सब। ओके, वो आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से करवा सकते हैं उसको जी। हम एक ये चीज देखिए, ये भी सोबर में आपको जी फुल लॉन्ग आएगा, एम्ब्रॉयडरी अच्छी दी हुई, इस पे धागे का काम मशीन से होता है या जी? मशीन से, मशीन से, ये मशीन। ओके, मशीन से होता है पूरा ये देखिए, और ये साइड में अलग से लुक देने के लिए पूरा जी बिल्कुल। ये कटिंग वगैरह इस टाइप का टेस्ट आजकल चलता है, अच्छा थोड़ा पार्टी वेयर में जाते हैं तो इस टाइप का देखिए, ये पूरा गाउन आएगा लॉन्ग बिल्कुल, ये मतलब फंक्शंस के लिए बेस्ट होता है। और इसकी स्लीव आप देखेंगे, बेल स्लीव आती है, आजकल बहुत ट्रेंड में भी है बेल स्लीव, मतलब सूट भी सिलवाते हैं तो उनमें भी बेल स्लीव लगवा लेते हैं। किस तरह का ये? ये 425 की रेंज है मैडम इसकी, 425 जी, और इजीली सेल आउट होता है 650 तक ही आएगा, ओनली 425 की रेंज, 425 ओनली, कैटलॉग आइटम है, इसमें कैटलॉग मिलेगा। चीज आप देखेंगे, एक कुर्ती विद प्लाजो आता है जी, ये जैसे कुर्ती है, ये कुर्ती है एम्ब्रॉयडरी वाली पूरी जी, साइड एम्ब्रॉयडरी दे रखी है आपको, ये देखिए इसमें, और ये आपको इसके साथ में प्लाजो मिलने वाला है, पूरा स्केच मिलेगा, हाँ स्टिच प्लाजो है, भाई स्केच प्लाजो आएगा, ये देखिए प्लाजो पे भी आपको नीचे एम्ब्रॉयडरी दे देंगे जो कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे इस टाइप से, आपको और भी वैरायटी मिलेगी। तो एक में भी कुछ साइजेस होते हैं? हाँ मैम, वो साइजेस सारे एम एल एक्सेल डबल एक्सेल, तो उसके हिसाब से प्लाजो का साइज भी कुछ इंक्रीज बड़ा होता है, बड़ा और छोटा होता है, प्लाजो का साइज भी बड़ा छोटा होगा होता है। ओके, तो आप मिनिमम ऑनलाइन का कितने तक ऑर्डर लेते हैं? मिनिमम वही है मैम, 15-20-25 हज़ार तक आप कम से कम लीजिए, उसमें क्या आपके पास भी वैरायटी बनती है ताकि आप आगे सेल कर पाते हैं, दिखाओगे जितने ज्यादा ऑप्शन आपके पास में होंगे उतने ही ऑप्शन से आप बेच पाओगे ज्यादा। अच्छा, तो सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड? देखिए जो मोस्ट ऑफली है वो तो 90% इंडिया का ही काम रहता है, बाकी कुछ एक कंट्रीज है जहाँ बाहर से भी ऑर्डर वगैरह आते हैं तो माल भी जाता है, वो कोई इशू नहीं है, आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ से सूरत से पूरी फैसिलिटी रहेगी, आपको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में माल मिल जाएगा। मिल जाएगा। ये नेक देखिए, इसमें डोरी लगाई गई है, बहुत सुंदर है, और ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, इसका प्लाजो है, ये फैब्रिक क्या होगा प्लाजो का? ये मैम खादी जूट कॉटन आता है, जूट कॉटन जी, और इस पे ये प्रिंट किया गया है? ये प्रिंट किया गया, प्रिंट किया गया, तो ये निकलेगा नहीं बिल्कुल? जी बिल्कुल नहीं निकलेगा। ओके, तो ये पूरे पे इस तरह से प्रिंट किया हुआ है, और पीछे इलास्टिक दे रखी है आपको ताकि मतलब अच्छे से फिट हो जाता है जी बिल्कुल। ओके, तो आपके यहाँ पेमेंट किस किस तरह से जाती है सर? पेमेंट मैम देखिए, पेमेंट मोड रहता है, जैसे आप अगर यहाँ आके परचेस कर रहे हैं तो आप कैश कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग और बाय चेक भी कर सकते हैं, लेकिन चेक में ये रहेगा जब तक चेक आपका क्लियर नहीं होगा फर्स्ट टाइम तब तक माल आपका डिस्पैच नहीं होगा, नहीं होगा, और बाकी जो भी ऑप्शन रहते हैं क्रेडिट कार्ड लेके आते हैं तो स्वाइप भी हो जाता है, वो सारे ऑप्शन पेमेंट मोड रहते हैं अवेलेबल हैं आपके पास।
सर पीछे और भी बहुत सारी सैंपल वैरायटीज मुझे दिख रही, तो आप थोड़ा गाइड करेंगे मुझे? जी देखिए मैम, सारी वैरायटीज एक वीडियो में काफी लंबा हो जाता है तो दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पीछे आप देखेंगे तो जैसे लॉन्ग गाउन टाइप में भी है और भी, और प्लाजो सेट हमारे पास में, जैसे स्पेशल प्लाजो सेट के लिए हमारा काफी नाम रहता है यहाँ पे भी, आउट ऑफ सूरत में भी है, कि 280 रुपीज से हैवी रियोन के अंदर हमारे पास प्लाजो सेट अवेलेबल है। 280 से लेके 1000 प्लस तक की रेंज में आपको मिलेंगे, मतलब 280 वाला भी अच्छा फैब्रिक होगा। जी बिल्कुल, गारंटी वाला फैब्रिक आएगा, आप आगे अपने कस्टमर को भी गारंटी दे सकते हैं। और चीप रेट के अंदर 100 से लेके 200 तक में आप एनी टाइम कभी भी आएंगे, बिना फोन कॉल करे भी आ सकते हैं, जब भी आएंगे आप कम से कम 500 से ज्यादा डिजाइन आपको एनी टाइम रेडी मिलेगी, रेडी टू कैरी आप ले जा सकते हैं हाथों हाथ, इतना माल रेडी रहता है। क्वांटिटी पूरी कर देते हैं, मतलब जितनी भी होती है, जितनी आपको चाहिए क्वांटिटी उतनी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का यही मतलब है मैम, एक डिजाइन के अंदर कम से कम हम 500, 1000, 1500 तक पीस बनाते हैं, रखते हैं। Okay. बार बार हम यही कहते हैं, भैया ने भी आपको यही कहा कि एक वीडियो में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने थी कि वीडियो में आप सिर्फ डिजाइनिंग देखते हैं, फैब्रिक आपको तभी पता लगता है जब आप शॉप पर आकर खुद से विजिट करते हैं, नहीं तो आपको फैब्रिक फील नहीं होता, क्योंकि पिक में कुछ और दिखाई देता है, रियल में कुछ और होता है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप एक बार शॉप पर आए, आकर विजिट कीजिए, खुद से देख के और यहाँ से लेके जाइए। तो आई एम श्योर ये जो हमारी आज की कलेक्शन थी वो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।